नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ग्वालियर के किले की सैर कराने जा रहे हैं। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से आगे चलेंगे, आपको ये पुल क्रॉस करके लेफ्ट साइड फूलबाग की तरफ टर्न कर लेना है और उस रास्ते से जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और वहाँ ट्रैफिक भी कम रहता है। ग्वालियर का किला बहुत ही पुराना किला है और सबसे बड़ा किला है। ये आप मोती महल के एंट्रेंस गेट है, यहाँ से जाएंगे तो इसके लेफ्ट साइड में फूलबाग पड़ता है। ग्वालियर का किला वैसे हफ्ते में पूरे दिन खुला रहता है, इसका टाइमिंग सुबह 8 से 6 बजे तक रहता है, लेकिन विजिटर के लिए ये 9 से 7 बजे तक खुलता है। और इसमें आप 75 रुपये की एंट्री फीस है, 250 रुपये फॉरनर विजिटर के लिए है। और आप कैमरे से भी शूटिंग कर सकते हैं, कैमरे का फीस शायद 40 रुपये है। बिलो 15 ईयर्स बच्चों के लिए वो एंट्री फी फ्री है। किले के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एंट्रेंस गेट पे ही बहुत ऊंची चढ़ाई दिखाई देगी। आप इस पे अपनी गाड़ी सावधानी से चलाएं, वैसे ये वन वे है, या तो ट्रैफिक ऊपर से आता है फिर फोन करके ट्रैफिक को ऊपर रोक दिया जाता है, तो फिर नीचे से गाड़ियाँ चलती हैं। आप अपनी गाड़ी को लो गियर में ही रखें, यहाँ फोन द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ये ट्रैफिक काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का इनका। और किले की खास बात यह है कि यह ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े किलों में जाना जाता है। ग्वालियर के किले के अंदर बहुत सारे महल हैं, जिसमें मान मंदिर पैलेस है, गुजरी महल है, विक्रम महल है, कर्ण महल है। यहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। गरुड़ स्मारक है, जो तेली का मंदिर है, तेली के मंदिर के बगल में गरुड़ स्मारक बनाया हुआ है। भीम सिंह राणा की छतरी, इस पर गौशाली गोविंद के आकार का मंडप भीम सिंह राणा के उत्तराधिकारी छत्तर सिंह ने अपने पिता के स्मारक के रूप में बनवाया था। सिंधिया स्कूल है, यह स्कूल विशेष रूप से सिंधिया परिवार के राजकुमार और राजकुमारियों के लिए बनवाया गया था। इसका निर्माण माधव राव सिंधिया ने वर्ष 1897 में अंग्रेजों द्वारा सिंधिया को किले को सौंपने के बाद किया था। इसके अंदर एक गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा का पार्किंग है। जैसे आप किले के अंदर एंटर करेंगे तो आपको फ्रंट व्यू किले का ये नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ लोग अपने फोटो खींच रहे हैं। ये किले का फ्रंट व्यू है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है, इसके ऊपर से पूरा शहर नीचे नजर आता है। यह पुराने जमाने में एक वॉच टावर का भी काम करता था, ताकि राजा को पूरा अपना शासनकाल दिखता रहे। इसमें एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां बहुत सारी पुरानी मूर्तियां रखी गई हैं। यह फैमिली ट्रिप के लिए बहुत अच्छा, आप ग्वालियर आए तो ज़रूर किले को देखना। यहाँ काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। और किले के विस्तृत जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में देंगे। ये पार्ट वन वीडियो हमने शूट किया है, आगे आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किले के अंदर एक इमली का पेड़ लगाया गया है, जो कहा जाता है कि मान संगीतकार तानसेन ने लगाया था। उस इमली के पेड़ के जो भी पत्ते खा लेते हैं, कहते हैं कि उसकी आवाज़ मीठी हो जाती है।
हाँ।